सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पर रहेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 11:30 पर गोला गोकर्णनाथ पहुंचेंगे, जहां से दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के फार्म हाउस जाएंगे, अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी आज जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? इसको आपको बता दें, लखीमपुर जो 5 बार की गोला विधानसभा के विधायक है अरविंद गिरी, वो आज श्रद्धांजलि अर्पित करने जो पब्लिक इंटर कॉलेज में 11:10 पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद में विधायक अरविंद गिरी के आवास पर पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में जो है परिजनों से भी वार्ता करेंगे, परिजनों को ढांढस भी बंधाएंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। जी, लखीमपुर खीरी दौरे के दौरान कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद है, भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद है, लखीमपुर जनपद के जो विधायक है, अन्य सहायक विधायक वो भी मौजूद हैं। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। आप देख सकते हैं विधायक के आवास के गेट के सामने भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है। आईजी लक्ष्मी सिंह भी गोला में मौजूद है, जो सुरक्षा व्यवस्था का बराबर जायजा ले रही है। आप देख सकते रोड बाकायदा बैरिकेटिंग की जा चुकी है, और जो ये जो सामने वाली रोड है, इस रोड से मुख्यमंत्री का जो है वो स्क्वाड आएगा। स्क्वाड के बाद में जो सीधे उनके फार्म हाउस पहुंचेंगे, वहां पर जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में जो उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। जी, अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों से मिलेंगे, इसके बाद की क्या प्लानिंग रहेगी? लखीमपुर खीरी कब तक उनका ये दौरा रहेगा यहाँ पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से करीब 5 मिनट तक गोला गोकर्णनाथ में वो रुकेंगे, उसी बीच में श्रद्धांजलि भी देंगे, परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारी के लिए। बांदा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, साथ ही नूतन लाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और जिला अध्यक्ष संजय सिंह मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक से लेकर कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और बिसिंडा के आदर्श इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। बता दें, बांदा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, साथ ही नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। इस दौरान राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और जिला अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समीक्षा बैठक से लेकर कृषि विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और बिसिंडा के आदर्श इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान हमसे जुड़ेंगे। रिजवान, बांदा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि इसको लेकर जो है सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी 2 दिवसीय दौरे में जो है बांदा आए हुए हैं,
जो कल शाम के 8 बजे बांदा पहुंचे थे और आज जो गणेश उन्होंने वहाँ गणेश महोत्सव में कार्यक्रम भी करे शामिल हुए हैं और कुछ बुजुर्ग उन्होंने लोगों को योगा करने का भी कार्यक्रम सिखाया हुआ है। आज वो मंत्री राम के सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी के साथ जो है जिला अध्यक्ष संजय सिंह रहेंगे मौजूद, रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। जी उनके इस कार्यक्रम के दौरान कौन कौन लोग मौजूद हैं उनके साथ? उनके साथ मंत्री जो है जल मंत्री रामकृष्ण निषाद जी मौजूद हैं, सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, प्रकाश त्रिवेदी जिनका नाम जिला अध्यक्ष संजय सिंह रहेंगे मौजूद। धन्यवाद रिजवान तमाम जानकारी के लिए। खबर मथुरा से है जहां बच्चे ने जेल से भागने की कोशिश की तो किशोरों को मिली तालिबानी सजा और खंबे से बांधकर लाठी डंडों व बेल्टों से किशोरों को पीटा, जिसके बाद घायल किशोरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन अधिकारी किशोरों के साथ हुई मारपीट के मामले में कहा कि मामला संज्ञान में आने पर जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि राजकीय संप्रेक्षण गृह में कुछ किशोर जो हैं उन्होंने जो था एग्जॉस्ट फैन को तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे जो थे कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और जिसकी वजह से मारपीट हुई, तो उसकी जो है मेडिकल वगैरह बच्चों को कराया गया है और दोषी जो भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की वजह क्या निकल कर आई? बच्चे भागना चाह रहे थे, उन्होंने एग्जॉस्ट फैन जो है वो वहाँ से तोड़ दिया था और वहाँ से भागना चाह रहे थे वो। फिर हमने जंगले में वो लगा रहता है किट का पंखा था, वो हमने खोल लिया था इन भैया ने। फिर जो स्टाफ रहता है वहाँ पे रात को 3 जने रहते हैं, उन्होंने हमें मार लगाई है सर बहुत तेजी से, खम्भे से बांध बांध कर डंडा दिए हैं सर जी और बेल्ट दिए हैं, जूते जो मतलब जो कुछ मिला है सब तरह से मार लगाई है। और ये दोनों सर राजकीय संप्रेक्षण गृह से लाए गए थे, उनके शरीर पे जगह जगह चोट थी, बटक्स पे, बाँव में, चेस्ट पे, सब जगह चोट थी उनका। मैंने मेडिकल दोनों को कर दिया और उनके जो जहाँ जरूरत पड़ी उसका एक्सरे एडवाइस कर दिया और उनको दवा दे के उनको कोई ऐसी भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, उनको वापस भेज दिया। बाकी यार तो किस तरीके के मारपीट थी, किस तरीके की? हाँ कुछ मारपीट के भी लग रहे हैं और कुछ गिरने से, दोनों तरह के। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनीराम हमसे जुड़ेंगे। धनीराम, बच्चों ने जेल से भागने की कोशिश की तो उन्हें तालिबानी सजा दी गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं कि ये एक नया मामला मथुरा में देखने को मिला है कि जहां छोटे किशोरों को और वो सुधार जेल में मतलब बच्चों को सुधारा जाता है, बल्कि वहां पर आज एक तालिबानी सजा इन बच्चों को दी गई, जिसको लेकर के पूरे मथुरा के क्या आसपास के सभी क्षेत्रों में इस बात की चर्चा बनी हुई है कि इस तरह से बेरहमी से जिन बच्चों को पीटा गया है वो कितने किशोर हैं और यहाँ तक कि उन बच्चों को बेल्ट और चप्पल जूतों से पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा सुनाई गई। बस खाली कसूर इतना कि बच्चों ने किसी दूसरे के बहकावे में आकर और एक जंगला तोड़ने की कोशिश की, यानी कि बाल सुधार गृह से भागने की कोशिश की, इसे लेकर दो कर्मचारियों ने उनके साथ में बेरहमी से मारपीट की और मारपीट में इतना मारा। अब उन बच्चों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमको दोबारा इस जेल में भेजें और वहां जाकर के हमारे जो ये कर्मचारी हैं वो एक हमारी जान को और मारपीट करें। इसको लेकर के बच्चों ने अपनी जो व्यथा है वो मीडिया से बताई, अधिकारियों से कहने से वो डरने लगे। मीडिया पहुंची, जब वहां उन्होंने अपनी पूरी बात मीडिया को बताई और बताया कि इस तरीके से दो कर्मचारी थे उन्होंने बेरहमी से मारा है, जिसको लेकर के उनकी हालत खराब हुई तो उनको जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर ने भी ये पुष्टि की कि हाँ इनके साथ में बेरहमी से मारपीट की गई है। जब इस बात को लेकर के हमने सर्वेक्षण प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में ही नहीं था और जो दोषी होंगे जांच की जाएगी और उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसके लिए मैंने कमेटी गठित की है और 2 संसदीय कमेटी गठित भी कर दी गई है कि अगर ये
जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी इसको लेकर के, परंतु इस विषय को लेकर के बच्चों में भारी भय है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अगर दोबारा उनको जेल में भेजा जाए और वहां उनके साथ में मारपीट की जाए। जी जी, इस पूरी घटना पर जेल प्रशासन का क्या कहना है? जी मैं आपको बता दूं कि जेल प्रशासन ने बोला है कि ये जो दोषी हैं, जो कर्मचारी दोषी हैं, वो इनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बाल गृह में, बाल शिशु गृह में सुधारने के लिए रखा जाता है, ना कि उनके साथ में मारपीट करने के लिए। अधिकारी ने बताया है कि जो जाल के अरविंद सिंह जी है, उन्होंने बताया है कि तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर जांच करने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। जी तो ये जांच अभी शुरू हो चुकी है, अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? जी मामला कल का था और कल ही उन्होंने आदेश दिए हैं और आज इसमें आज जांच कमेटी जो बनाई गई है वो जरूर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट ये है कि दो दिन में सौंपेगी और निश्चय ही जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद हनीराम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।